हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ आकृति और स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार टू बम्बई में। तो अभी जैसे कि नवरात्रा स्टार्ट हो चुके हैं, आप सबको सबसे पहले नवरात्रा की ढेरों शुभकामनाएं। सब अच्छे से रहिए, सब स्वस्थ रहिए, अपने मम्मी पापा के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कीजिए, उन्हें घुमाइए, उन्हें उनके साथ पूजा कीजिए, बहुत मज़ा आता है। ओके, अब पॉइंट पे आते हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, मुझे नवरात्रा करते हुए ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स हो गए हैं और मुझे सब बहुत कोई पूछते हैं जिन्हें करना है या जो कर रहे हैं वो पार्ट प्रॉपर नहीं करते हैं, आगे पीछे करते हैं या समझ नहीं आता। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे पाठ शुरू करती हूँ। तो जो भी तैयारी वगैरह है, करने के बाद आसन पे ही बैठिए, कभी भी नीचे फर्श पे नहीं बैठना चाहिए जैसे मुझे बताया गया है। और दूसरी चीज़, जब आप पाठ शुरू करते हो तो पाठ को शुरू आप देवी का वचन से करो। आप जैसे ही किताब खोलोगे, माता का जो सप्तशती की पाठ का बुक आता है उसमें सबसे पहला है देवी का वचन, आप पढ़ो। देवी का जब के बाद आप पढ़ोगे अर्गला श्रोत्रम, अर्गला श्रोत्रम आप जैसे ही खत्म करो उसके बाद आप पढ़ोगे कीलक श्रोत्रम। इन तीनों को पढ़ के ही आपको पाठ शुरू करना है, ये किताब में भी लिखा गया है और लास्ट 13-14 ईयर्स से भी मैं यही कर रही हूँ। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहला देवी का वचन, फिर अर्गला श्रोत्रम, फिर कीलक श्रोत्रम, इसके बाद अध्याय है। अभी अध्याय जो है वो 13 अध्याय है हमारा, लेकिन पूजा जो होती है वो 9 डेज की होती है। तो हम कैसे करें, तो एक दिन में सब नहीं पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है। तो पहला दिन हम एक, दूसरी पूजा वाली दो। और अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि दो दो पूजा एक साथ पढ़ जाती है, लाइक चौथी पंचमी या सप्तमी अष्टमी। तो ऐसा नहीं करना है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज बहुत सारी पूजा कनेक्ट होती है बीच में और समझ नहीं आता है फिर कैसे पाठ करें, तो आप उस तरह से मत करो। एक एक दिन एक ही पाठ करो, पहले पूजा वाले दिन पहला पाठ। और मतलब मैं करती हूँ हर रोज हर अध्याय से पहले अर्गला श्रोत्रम, देवी का वचन और तिलक, तीनों ही पढ़ना है आपको, छोड़ना नहीं है। एवरी डे आपको देवी का वचन से स्टार्ट करना है, देवी का वचन पढ़ना है, फिर अर्गला श्रोत्रम, फिर कीलक श्रोत्रम पढ़ना है, उसके बाद पाठ शुरू करना है। और इसी तरह से एवरी डे 1-1-1-1 पढ़ना है, एक अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय। और नवमी के दिन जो हम नवमी का पाठ करते हैं, फिर 9-13 अध्याय आपको पढ़ना है पूरा, उस दिन आप पूरा अध्याय अपना ख़त्म करोगे। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, एवरी डे पाठ ख़त्म करने के बाद आप क्षमा याचना पढ़ोगे। मतलब आपका जो रूटीन होगा वो होगा देवी का वचन, अर्गला श्रोत्रम, कीलक श्रोत्रम, उस दिन का अध्याय, जो भी पूजा है उस दिन का अध्याय, उसके बाद आप पढ़ेंगे क्षमा याचना और फिर आरती कर सकते हो आप। तो हाँ, मैं इतने सालों से यही कर रही हूँ, अगर आपको ऐसे करना है तो प्लीज़ आप करें। आप जनरली भी अपने लाइफ में देवी सप्तशती का पाठ कर सकते हो, मुझे पर्सनली माता जी बहुत वो है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपके हेल्प में आए। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रही है जो मुझे पता होगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। थैंक यू सो मच। इसी तरह और भी वीडियोस बनाते रहूंगी, आप लोग जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और शेयर करो उन लोगों के साथ जिनको ये ज़रूरत है वीडियो की। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। मैं इतने सालों से ऐसे ही पूजा करती आई हूँ, अगर इसमें कोई गलती हुई हो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।